goes aside from my soul. हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल द केटी जॉन एंड दिस इज मी कौशल डिमरी। तो जी हाँ भाई, आज की इस वीडियो में अपनी बाइक में जो है टेल टैडी की इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये जो भी जो टेल टैडी और इंडिकेटर की इंस्टॉलेशन हम करने वाले हैं, ये मैंने जो है अमेजोन से लिया हुआ है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाके आप अगर परचेज करना चाहो तो परचेज कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को पूरा देखो एंड तक एंड आपको बताता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है एंड कैसा लुक आता है आरएम5 V3 का टेल टैडी लगने के बाद। एंड हम LED इंडिकेटर भी लगाने वाले हैं, क्योंकि स्टॉक इंडिकेटर अच्छे लगते नहीं है, तो LED इंडिकेटर के साथ बताऊंगा। मैं टेल टैडी एक हफ्ते पहले ही लगा चुका हूँ एंड वो सूट भी हो चुका था पहले, अभी मैं सिर्फ इंट्रो आउट्रो बना रहा हूँ। तो आप ये आगे देखो ये क्लिप वगैरह एंड सीधा मिलते हैं वीडियो के एंड में, तब तक आप ये जो इंस्टॉलेशन वाला क्लिप देखो। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज भाई कर लेना। Look at people and I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay, I'm a pretty boss, look almost your brain twice. I'm a freak in the sheets, but I got claws, I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had and give it to your wife. तो भाई अभी दीपू भाई के गैराज पहुंच चुके हैं एंड ये सामने हमारे दीपू भाई है। तो अभी जो है टेल टैडी का इंस्टॉलेशन करते हैं, पहले मैं आपको टेल टैडी दिखाता हूं, फिर जो है बाइक में काम करते हैं। बाकी अगर आपको यहां पे अपना काम कराना हो तो आप आ सकते हैं, ये सिमली में है एंड दीपू भाई आपको अच्छा डिस्काउंट दे देंगे। तो भाई ये रहा जो टेल टैडी है, ये अमेजोन से आया था एंड ये कॉस्ट है 1000 रुपये का ही पड़ा मेरे को एंड आपको मैं उसको खोल के दिखाता हूं पहले। तो ये रहा टेल टैडी, 1000 रुपये का पड़ा था, अभी इसको फिटिंग करते हैं पूरा एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अभी दीपू भाई के गैराज में इसकी फिटिंग करते हैं पहले, सबसे पहले ओके। तो सबसे पहले हमको ये खोलना होगा उसके लिए ओके एंड उसके बाद जो ये फेंडर है, जो स्टॉक फेंडर है आरएम5 का, ये हमको निकालना है एंड उसकी जगह में जो ये वाले नट हैं इधर ही हम इसको जो ये टेल टैडी है वही इधर ही इसको डालने वाले हैं जो ये वाले नट हैं। एंड सबसे पहले इसको खोलते हैं, उसके बाद ये फेंडर जो है इसको रिमूव करते हैं, देन जो ये छोटा वाला फेंडर है ये रहा, फिर इसको इंस्टॉल करते हैं इस पर। तो भाई सीट रिमूव कर लिया एंड सीट रिमूव करने के बाद आपको एक ही वाला नट खोलना है, एक ही खोलना है, एक ही खोलना है, एक ही खोलना है, फिर ये जो है फेंडर निकल जाएगा। तो अब इसको खोलते हैं सीधा ओके। तो ये दो खुल चुके हैं एंड ये दो बचे हैं अभी, तो इनको खोलते हैं पहले। तो अभी जो है फेंडर निकल चुका है एंड फेंडर कुछ ऐसा लगता है एंड बिना फेंडर के देखो आरएम5 कैसी लगती है। तो अभी इसमें जो है टेल टैडी इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस अभी ये लग चुका है यहाँ पे, इंडिकेटर भी लग चुके हैं एंड जो टेल टैडी था वो भी लग चुका है। एक बार मैं आपको जो है इंडिकेटर ऑन करके दिखाता हूँ पहले। तो ये देखो ये इस साइड का हो गया एंड ये इस साइड का भी चल रहा है एंड जल्दी जब हम 1000 लाइट भी लगा देंगे ताकि दोनों इंडिकेटर अच्छे अच्छे पैटर्न में लगे। तो ये दीपू भाई के गैराज में हमने लगा दिया एंड अभी आप इसके सिनेमेटिक शॉट एंजॉय करो पहले। सो अभी टेल टैडी जो लग चुका है, इंडिकेटर भी लग चुका है, ये वाला खोलियो। हाँ तो देखो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है एंड ये थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि बरसात का मौसम है तो बाइक गंदी हो रही है बहुत ज़्यादा एंड ये सेम डे नहीं है, टेल टैडी पहले ही लगा दिया था तो आज दूसरा दिन है। एंड ये देखो भाई यहाँ पे का ऐसा लगता है, ये वाला खोलियो। तो ये देख लो बस इस वीडियो में इतना ही एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
वीडियो अगर पसंद नहीं आया तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, ये R15 अगर पसंद है तो मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।